इसमें लूप्स देखेंगे, ठीक ठीक है। लूप्स, सो लूप्स क्या होता है ना कि हम लोग लूप्स के थ्रू कोई से भी एक चीज को बहुत बार चला सकते हैं, जब तक कि वो लूप खत्म ना हो तब हम लोग इसको बहुत बार चला सकते हैं। मतलब कि इटरेशंस टाइप के बोलते हैं, जैसे कि मैं अभी एक लूप लिख रहा हूँ उसको फॉर लूप बोलते हैं, फॉर लेट लेट यूज कर रहा हूँ, आई इक्वल टू 0, इज लेस देन इक्वल टू 10, और आई प्लस प्लस, और इसमें कंसोल डॉट लॉग कर लूंगा, इसमें और इसमें लास्ट में सर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्यों है? हम बताता हूँ, लूप नंबर प्लस आई कर दिया। सो मैंने रन किया, सो ये लूप नंबर दिखाएगा, ठीक है, 0 से लेके 10 तक। तो ये कैसा आया लूप नंबर, जो 1 2 3 4 जो भी है वो कैसा आया, हम लोग वो देखेंगे। सो ये क्या होता है लूप से ना, हमको हमको प्रोग्रामिंग में कोई सी भी चीज हो सकती है कि बहुत बार चलानी हो ठीक है तो बार बार उसका कोड नहीं लिख सकते, इसके जगह मैं कंसोल लॉग लूप नंबर 1 2 3 4 5 से 9 10 भी लिख सकता था, 10 बार करेक्ट कंसोल लॉग कट चीज। सो लूप का मतलब यही होता है कि मतलब हम लोग कोई चीज को शॉर्ट करते हैं, तो बार बार एक ही चीज करना है। तो वन लूप नंबर 1 2 3 4 5 7 9 10 लिखने के जगह मैं ये लूप चला रहा हूँ। तो ये लूप चलता कैसे, इसको फॉर लूप बोलते हैं, सबसे कॉमन लूप होता है ये। सो फॉर लेट आई इक्वल टू 0 किया मैंने, एक चीज को इनिशियलाइज किया, वेरिएबल आई क्या है ये? है कुछ भी ले सकते उसके जगह, अच्छा ठीक है जैसे हम लोग पिछले बार वेरिएबल देखा था तो हम लोग उसे कुछ भी वेरिएबल ले सकते, ठीक है। तो आई इक्वल ठीक टू है 0 किया मैंने, फिर आई इज लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक सो है आई की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। सो फर्स्ट टाइम में जब आई इक्वल टू 0 होगा सो ये लेस देन इक्वल टू 10 है, सो 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू है ये। लूप में क्या होता है, जब भी ट्रू होता है तभी वो नीचे जाता है, अंदर जाता है लूप के, नहीं तो अंदर नहीं जाता वो। और फॉर लूप बहुत कॉमन लूप है, ये एक अलग टाइप से चलता है। सो पहली बार जब इनिशियलाइज होगा सो ये ऐसा चलेगा, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, सो 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, हाँ ट्रू है वो, 0 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो नीचे आया। सो लूप नंबर चला और आई की वैल्यू अभी क्या है, 0, सो ये 0 प्रिंट हुआ। फिर दूसरे बार क्या होता है ना, ये दूसरे बार आई की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होती है, ठीक है, दूसरे बार आई की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होती है, और ये इस तरफ से आता है आई प्लस प्लस। सो ये आई प्लस प्लस है, ये जो टर्म है इसका मतलब, ये मैं कमेंट डाल रहा हूँ, इक्वल एक शॉर्टकट होता है आई इक्वल टू आई प्लस वन, इसका मतलब होता है आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस वन। सो ये क्या करेगा, आई की वैल्यू 0 है सो आई की वैल्यू 1 कर देगा, ठीक है, आई की वैल्यू 1 कर दिया इसने। फिर इसने चेक किया 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, जो कि अगेन इट इज ट्रू, ट्रू है ये, तो इसने 1 प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज नहीं करेगा, इस तरह जाएगा। सो ये ऐसा रहता है कि पहली बार यहाँ से यहाँ पे जाके नीचे जाएगा, फिर दूसरे बार यहाँ यहाँ से यहाँ पे आके नीचे जाएगा, सो उसके बाद से ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। सो समझ रहे हो, मेरे को अब एक चीज बताइए, जैसे अपन ने 0 से लेकर 10 तक लेगा, पर मुझे हाँ अगर 0 को ही 10 टाइम्स लिखना है तो पॉसिबल है? 0 को ही 10 टाइम लिखना है, हाँ क्यों नहीं पॉसिबल है, मतलब लूप, मतलब मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि एक सर्कल के अपन राउंड 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 लगा रहे हैं, ये मैंने 0 कर दिया है ना, अपने जीरो 0 से 10। प्रिंट किया मैंने कुछ, लेकिन वो 10 बार चला, 0 10 बार प्रिंट हुआ है। हाँ यही मैं कहना चाह रहा था, हाँ तो वही जीरो दस लूप मतलब मैं ऐसा मैं समझ जो पा रहा हूँ, एक सर्कल होता है जो अरे यार जैसे अपने वो चौराहे नहीं होता है, इस पे सर्कल हाँ बना होता है, बस एक सर्कल के अपन राउंड 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 घूम रहे हैं, हाँ जो राउंड लूप हो राउंड, गया है ना, हाँ हाँ वही है। जिसमें कोई ओपन एंड नहीं है। नहीं जिसमें ओपन एंड नहीं है, लेकिन इसमें क्या रहता है ना, इसमें लूप का एक एंडिंग रहता है, हाँ 10 टाइम्स तक वो घूमेगा फिर रुक जाएगा।
हाँ लूप की एक टेन एंडिंग दे। राउंड मारेगा रुक जाए, हाँ तो वही किया हम लोग ने। सो राइट। ये मैंने जस्ट फिर से आई कर देता हूँ ताकि इसमें क्या किया, उसके बाद से लूप बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। सो टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, सेवन होगा, नाइन होगा, टेन होगा। फिर जब टेन ठीक है। होता है सो टेन इज लेस देन इक्वल टू टेन, ये भी ट्रू है ठीक है। फिर से आया, टेन को भी प्रिंट कर दिया। फिर इलेवन किया आई को, इलेवन इज लेस देन इक्वल टू टेन, फॉल्स है। तो फॉल्स है। अब ये लूप को ब्रेक कर देगा और ये बाहर आ जाएगा, और बस ऐसा होता है लूप। ठीक है सर, ठीक है। इसको बोलते हैं लूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होता है ठीक है। सो ये है लूप। और इसके इसको कहाँ बाद कहाँ यूज करते हैं सर? ये बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी चीज को छोटा करने के लिए। जैसे कि मैंने तुमको बोला कि या तो मैं उसको 10 बार प्रिंट कर दूं, तो ये लाइन को ही मैं 10 बार लिख दूं, जैसे कि मैंने ये किया है ना, 0 से लेकर 10 तक किया है। हाँ सो इसके जगह, सो प्रोग्रामिंग में आप ऐसे, मतलब इसको मैंने, या तो मैं ऐसा कर दूं, इसको मैं कमेंट कर दूंगा, या तो मैं, मेरे को सब सपोज कोई सा चीज ऐसे 10 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं ऐसे में लिखूंगा तो भी तो सेम चीज आएगा, लेकिन मैं ये नहीं लिखना चाहता इतने बार इस तरीके से, इसलिए करेक्ट। ये शॉर्टकट है, ऐसे चलता है। तो ये यूज है जनरली, इतना ही शॉर्टकट नहीं रहता। सब सपोज इसको जगह मेरे को 100 नंबर प्रिंट कराने रहते तो मैं 100 बार लिखता क्या? नहीं ना। नहीं। तो वैसा है। सो सपोज एक और एक रियल एग्जांपल, रियल टाइप एग्जांपल लेते हैं। जरूरी हो। तो मैं कमेंट करता हूँ, सो एक मैं अरे लूंगा, अरे ऑफ, जो मैंने शायद तुमको बताया था तब उस दिन, तो अरे पास्कल, ये सारे लैंग्वेजेस के नाम। तो सपोज ये सब लैंग्वेजेस के नाम है, अभी मेरे को इसके थ्रू लूप करके ये सब प्रिंट कराना है, या तो फिर मेरे को यदि प्रिंट कराना है तो ये मैं कंसोल डॉट लॉग, एक तरीका ये है कि लैंग ऑफ 0 प्रिंट करूँगा। वन टू थ्री फोर, क्योंकि अरे अरे हमेशा 0 से चालू होता है। सो मैं ऐसे प्रिंट करा सकता हूँ सबको इंडिविजुअली ठीक है, लेकिन अब मेरे को इसको लूप के थ्रू करवाना है, तो मेरे को ऐसे नहीं करना है। सो इसके लिए मैं करूँगा फॉर लेट आई इक्वल टू 0 अगेन, आई कुछ ऐसा, आई की जगह जरूरी नहीं, आई की जगह कुछ भी और ले सकते हैं। आई इज लेस देन लैंग डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस लेंथ, एक मेथड रहता है जिससे क्या रहता है, ये इसका जो लेंथ है, जैसे कि 1 2 3 4 5, जैसे मैं यदि इसको बाहर भी चला के दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लैंग डॉट लेंथ, यदि मैंने किया फिर इसको उड़ा देता हूँ, तो ये मेरे को 5 देगा, 1 2 3 4 5। सो इस अरे का लेंथ है 5, सो ये ऐसा लैंग डॉट लेंथ मेरे को उसका लेंथ देता है। तो मैंने फिर से ऐसा कर दिया, और मेरे को हर एक आइटम प्रिंट कराना है इसका। सो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग लैंग आई किया, सो लैंग आई किया तो
अभी क्या होगा, पहली बार जब ये रहेगा तो आई इक्वल टू जीरो है, ठीक है, सो जीरो इज लेस देन इक्वल टू फाइव, ट्रू है कि नहीं? जीरो इज लेस देन इक्वल टू फाइव, ट्रू है। हाँ, तो नीचे आएगा तो लैंग ऑफ जीरो देगा, लैंग ऑफ जीरो देगा ये, तो ये पास्कल प्रिंट करेगा, फिर ये फिर ऊपर जाएगा, फिर इसको वन कर देगा तो ये प्रिंट, लैंग ऑफ वन में ये प्रिंट कर देगा, फिर टू करेगा तो सी प्लस प्लस प्रिंट करेगा, थ्री करेगा जावा प्रिंट करेगा, फोर करेगा हाँ ये कर देगा प्रिंट, ओके, और फिर फाइव करेगा तो फाइव तो मतलब कि कुछ है ही नहीं लैंग, और फाइव कुछ है भी नहीं, और फाइव इज लेस देन इक्वल टू फाइव, ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, तो ये लूप से एग्जिट कर जाएगा, सो मैं इस करूंगा तो ऐसा प्रिंट कर देगा ये सब चीजें, ये चार स्टेटमेंट की जगह मैंने एक में ही कर दिया, सो इसलिए लूप होता है यूज। फॉर लेट आई इक्वल्स को जीरो, आई इज ग्रेटर देन लेंथ डॉट लेंथ, मतलब इसमें डॉट लेंथ एक नया फॉर्मूला है, अपन ऐसा कह सकते हैं क्या? फॉर्मूला है जो लेंथ लॉजिक दे, कह लो लॉजिक कैसा? हाँ हाँ वही फॉर्मूला है, इसके जगह अपन हम लोग ऐसे डायरेक्ट फाइव भी लिख सकते थे, लेकिन फिर उसमें क्या होता है कि फाइव भी लिख दो तो भी चलेगा, लेकिन उसमें क्या है इसका यदि लेंथ बढ़ेगा तो फिर डायनेमिक नहीं होगा वो, इसलिए जनरल ऐसे यूज करते हैं इसको लैंग डॉट लेंथ, ठीक है ठीक है, लैंग डॉट लेंथ सेमी कॉलन आई प्लस प्लस, ठीक है सर, ठीक है राइट है, ठीक है, तो जैसे कि ये होता है वैसे ही if else करके भी स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि if then else if then, हाँ तो तुमने वही सी में भी देखा होगा, सी में ये सब तुम भूल गए होगे, so if then else वो सी में होता है, सी प्लस प्लस में होता है, सब में होता है if then else, और वो फॉर लूप भी सभी में होता है, तुमको शायद अभी याद नहीं होगा, so हाँ मेरे को याद नहीं आ रहा है, ऐसा है, so if इसको उसको कंडीशनल बोलते हैं, so if उसमें क्या ना वो चेक करता है कि यदि कोई कंडीशन ट्रू है क्या नहीं, सो फिर वो कर देता है, मतलब कि यस यस, सो वो अंदर जाता है उसके, सो ये लूप के लूप में भी जैसा हम लोग एक चीज चेक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है ना हम लोग बस लूप जैसा नहीं है, जस्ट बस वो एक बार चेक करता है कि नहीं, और होगा तो फिर वो करेगा, जैसे कि कॉन्स्ट नहीं है तो बैकडेट हो जाएगा, हाँ कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू जैसे कि 10 है मैंने किया, और if x double equal to 10 तो इसको भी ऐसा curly bracket में लेंगे, so console dot log x is 10 किया मैंने, run किया और x is 10 है, क्योंकि अच्छा ये जो double equal to एक operator होता है ये चेक करता है, मतलब कि ये इस इक्वल टू से ये इक्वल टू डिफरेंट है, ये बस चेकिंग के लिए होता है, जैसे कि ये देखता है जैसे कि एक्स इक्वल टू 10 के, तो ये 10 क्या है ना यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, सो 10 डबल इक्वल टू 10, ये असाइनमेंट के लिए है, ये चेकिंग के लिए दो बार इक्वल टू जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तो 10 इक्वल टू 10 इसे चेक किया हाँ ट्रू है तो अंदर चले जाएगा, और इसमें एक एल्स पार्ट भी होता है, वो तभी चलता है जब ये ट्रू नहीं, नहीं होता है, तो x is not 10 मैंने किया, सपोज यहाँ पर अभी मैंने 20 कर दिया, सो इसको 10 ही रहने दो, इसको मैंने 20 कर दिया, ठीक है मैं इसलिए देख रहा हूँ, तो इसको 20 कर दिया, सो अभी सेकंड एल्स पार्ट चलेगा, एक्स इज नॉट 10 क्योंकि 20 इज नॉट इक्वल टू 10, सो सर्च करेगा तो इसको यहाँ पे फॉल्स मिलेगा, तो नीचे आ जाएगा, सो ऐसे चलता है ये, ठीक है, इसको ऊपर वाला सेम नहीं मिला ना, कॉन्स्ट्रेंट अपन ने डाला एक्स इक्वल टू 20 तो पहले वाली कंडीशन में मैच नहीं हुआ, दूसरी वाली कंडीशन में आया, इसीलिए एल्स कंडीशन चली ना इसमें, ठीक है सर राइट, ठीक है, सो else कंडीशन में अभी क्या रहता है, इसमें else if पे रहता है, वो else if पे रहता है, so
सेकंड कंडीशन होगी ना एल्स इफ, नहीं वो खाली एल्स का पता है, अभी मैं और एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, कॉन्स्ट जेड इक्वल टू मे बी 69 किया मैंने, एग्जैक्ट वेरिएबल है, इफ जेड इज, मैं कुछ भी और भी चेक कर सकता हूँ, इफ जेड इज ग्रेटर देन 100 कंसोल डॉट लॉग जेड इज ग्रेटर देन 100, और इसमें क्या ना ये एल्स पार्ट था, मेरे को एक एल्स इफ करके भी होता है, एल्स इफ इसमें फिर से मैं दे सकता हूँ जेड इज ग्रेटर देन 80 देन जेड इज ग्रेटर देन 80 else if z equals to 69 greater than नहीं greater than 60 किया मैंने, वो कुछ भी कर सकते हो, तो मैं कर रहा हूँ, so मैं कर रहूँगा z is greater than 60 और else खाली else Z is lesser than 60. Okay. So, इसमें क्या होगा, इसमें मेरा आएगा Z is lesser than 60. So, ये कैसे वर्क करता है, ये एक एक करके जाता है. So, सबसे पहले इसने Z 69 है. So, 69 is greater than 100 नहीं, true नहीं है. So, second statement में जाएगा. 69 is greater than 80 नहीं, ये भी true नहीं है. Third statement में जाएगा. 69 is greater than 60. तो ये true है. 69 is greater than 60. ये true है. तो ये इसको print करके बाहर ही निकल जाता है. Else part नहीं चलेगा. जहाँ पे भी ये true होगा ये बाहर निकल जाएगा. So मैं यदि मतलब इसीलिए ये वाला print हुआ है statement. Correct correct. Similarly यदि मैं इसको 89 कर दूँगा. That is greater than. वाले में चलेगा. और यही पे ये हो गया, ये पहला वाला तो फॉल्स है, 80 इज नॉट ग्रेटर देन 100, तो ये नहीं चला, तो else if में आता है, else if में फिर 80 इज मतलब कि 89 इज ग्रेटर देन 80, हाँ ट्रू है, तो ये प्रिंट करके बाहर आ जाता है. और सपोज मैंने मेरा ये 59 किया मैंने 59, तो लास्ट वाला चलेगा, इज दैट इज ग्रेटर देन 60, सो ऑल ऑफ दिस आर फेल, सो लास्ट वाला चलेगा. ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है, $59 दैट इज 60, ठीक है सर, करेक्ट है. सो सब सही है. अभी इसमें जावास्क्रिप्ट लेवल हो गया है, अभी इसमें एक और एक चीज बचा है, वो मैं तुमको बता देता हूँ. जावा खत्म हो गई क्या सर? जावास्क्रिप्ट का बेसिक खत्म हो चुका है, अभी एडवांस बचा, अभी पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुमको कराऊं कि नहीं कराऊं. नहीं अब तो हाँ करा, थोड़ा थोड़ा चलते हैं, क्योंकि मेरे को ये समझ में आया अभी आज का पूरा. अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, ये लॉजिकल है ना, कंडीशनल है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुमको एडवांस कराऊंगा. तो ये बेसिक जावास्क्रिप्ट है. सो अभी और एक चीज है, तो हम लोग एक मिनट, ओके. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट में क्या ना सब चीज एज अ फंक्शन होता है, फंक्शन फंक्शन. सो एक किसी भी बड़े कोड को ब्रेक करने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं, तो फंक्शन ऐड नम्स करके किया मैंने, और इसमें मैंने नम वन कॉमा नम टू पास किया, और कंसोल डॉट लॉग नम वन प्लस नम टू. सो जावास्क्रिप्ट
फंक्शनल प्रोग्राम लैंग्वेज है, इसमें हर चीज हम लोग फंक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। सो इवन सी तुमने पढ़ा होगा, उसमें भी सब फंक्शन में बहुत कुछ होता है, पता नहीं याद होगा कि नहीं, ऐड नम्स किया मैंने। सो इसमें 20,30 मैंने पास किया, और सो मेरे को ये सम दे दिया 50 का। तो ये चलता कैसे, जावास्क्रिप्ट में कुछ भी हमको डिवाइड करना रहता है ना, फंक्शन कीवर्ड देते, फंक्शन कीवर्ड है, फिर इस फंक्शन का मैंने नेम दे ऐड नम, ये क्या है ना, दो जो ये ले रहा है इसको पैरामीटर्स बोलते हैं। सो और उसके बाद अंदर गया, और ये इसके अंदर मैं कुछ भी चला सकता हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग मैंने चलाया, वो क्या कर रहा है, नम वन जो भी मैं पास हो रहा है उसको नम वन प्लस नम टू कर रहा है। सो मैं यहाँ पर 20-30 पास कर रहा हूँ, सो 20-30 को प्लस कर रहा हूँ, 50 दे दे रहा है। सो ये फंक्शन की खासियत दे रही थी, मैं इसको कितने भी बार में लगी मैं डिफरेंट चीजें पास कर सकता हूँ इसमें, मतलब कि मे बी 30-30 मे बी 50-30, सो वो मेरे को डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट देगा। सो ऐसा करके मैं पास कर सकता हूँ। सो ये रहता है फंक्शन, समझे? हेलो, हाँ समझ में आई। हाँ मतलब इसमें ऐड सब्सट्रैक्ट वगैरह भी, जो एक जो लॉजिकल फंक्शन होता है ये वो ही है जैसे अपन कहना चाह रहे हैं। और ऐड ऐड तो समझ में आ गया, ऐड एक फंक्शन है, ठीक है। हेलो, हाँ। और नम्स क्या है, नम्स मतलब इसका पूरा नाम ले सकते हो, कुछ भी नाम ले सकते हो, कोई ऐसा ऐड ऐड नम्स कुछ भी दे सकते हैं, या ऐड के आगे कुछ भी नम्स में कुछ चेंज कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐड ऐड के जगह कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैं तुमको और एक बताता हूँ। अच्छा, ऐड नम्स की जगह अपन फंक्शन जैसे कि मल्टीप्लाई ही दे दे, चलो मल्टीप्लाई दे दे। नहीं नहीं, मल्टीप्लाई मत दो ना, कुछ भी दे दे। हाँ, कुछ भी नाम, कुछ भी दे सकते, नाम कुछ भी दे सकते फंक्शन का। हाँ तो आप लिख दो पिपलानी, क्यों नहीं चलेगा वो पिपलानी, लेकिन फंक्शन कीवर्ड जरूरी है, फंक्शन कीवर्ड जरूरी है, ठीक है। हाँ, वो ही मैं जानना चाह रहा था। तो इसी जगह मैं N1 भी दे सकता हूँ, N2 भी दे सकता हूँ, ये भी हाँ। कर सकता हूँ, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग N2 कर देते, इनटू किया कर रहा हूँ, प्लस नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। सो इसके बाद ठीक है, पार्टी किया मैंने, ये मैंने इसको कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो इसका भी कंसोल लॉग आ जाएगा। हो गया 30-40, 13 into 40, 40 into 30, 1200। ठीक है, 1200। तो वही वो कुछ भी नाम तो मतलब, दे सकते हैं इसको, कुछ वो नहीं है। हाँ मतलब जो कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन अपन को लगाना चाहे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी अपन को लगाना, वो यहाँ लगेगा। बाहर फंक्शन एक कीवर्ड है, बस यही है सब मैं मांग के चल, बाकी कुछ भी अपन दे सकते हैं। हाँ कुछ भी दे सकते, डिवाइड भी दे सकते, डिवाइड बोलते इसको, सब चीज अवेलेबल है। डिवाइड कर दिया, फिर एक और एक चीज होता है, माइनस कर दिया, मॉडुलस कर दिया, मॉडुलस रिमाइंडर ऑपरेटर होता है। 30/40 का रिमाइंडर 30 ही है। आएगा क्योंकि 40 से एक बार डिवाइड होता है, वो उसका 20 बचता है, ठीक है। सो वो नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, पिपलाइन ही नहीं देंगे, ऐसा कुछ नाम देंगे कि कोई सामने वाला भी समझ पाए। हाँ बता। सो अच्छा, ये N1 N2 भी N1 N2 रहेगा या A1 A2 भी दे सकते, उसकी जगह भी कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग और फंक्शन, ये अपने कीवर्ड कह लें अपन, बाकी N1 N2 और पिपलानी या ऐड नम्स, अपन ऐड नम्स तो आपने समझने के लिए दिया, पर वो आप कह रहे कुछ भी, अपन ने कुछ भी करके ट्राई किया। ठीक है ठीक है, तो ये हो गया अपना बेसिक जावास्क्रिप्ट, इतना टफ नहीं जितना तुम सोच रहे थे।